नमस्कार साथियों, आज आप सबका मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने कुछ समय पहले आपसे एक अपील करी थी और जैसा आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का आज जन्मदिन है, श्री वीरभद्र सिंह जी का, और बहुत से लोगों का पूरे प्रदेश भर से हमको शुभ संदेश आया। उसके लिए मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो कुछ लोग प्रदेश भर से यहाँ पर नहीं भी आ पाए, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हमारा हमको मेरे पिताजी को शुभकामनाएं जो है वो दी है। और आज वैसे तो मैं आपसे रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरेक्शन करता रहता हूँ, आपके प्रदेश भर के मुद्दे उठाने का हम प्रयास करते रहते हैं। आज विशेष रूप से मैं आपके बीच तो आया ही हूँ, मगर हम एक विशेष रूप से राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनका संदेश आप सबको पहुँचाने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जो है आप सबसे सीधा वार्तालाप श्री वीरभद्र सिंह जी का करवाना चाहूँगा, और ये हमारे बीच आज उपस्थित है, और सभी लोग आपको अभी लाइव पूरे प्रदेश से, अलग-अलग क्षेत्र से देख रहे हैं। और आज आपका जन्मदिन है, सबने अपनी शुभकामनाएं प्रदेश के कोने-कोने से आपको भेजी है, और क्योंकि हर साल वो आपके निवास स्थान पे यहाँ पे आके आपको शुभकामनाएं देते थे, मगर इस साल क्योंकि जो कोविड-19 का कहर, जो महामारी का कहर है, उसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना शुभ संदेश जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को जो है वो दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, अच्छा, ये मैं आज इस सबको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। मैं काफी अरसे से हिमाचल और देश की राजनीति में रहा। हाँ जी, मैं 60 साल, करीबन 60 साल आपने राजनीति का सफर तय किया है। हाँ, मैं पहले सीधा मैं सेंटर में गया था, एमपी बना था, हाँ जी, और मुझे हमारे नेतृत्व ने खूब ट्रेन किया। जी मेरे एमपी बनने के थोड़े अरसे में ही मुझे यूएनओ में डेलीगेट के रूप में भेजा, जी जहाँ मुझे लगभग 10 महीने रहने का मौका मिला। ये मेरा एक्सपोजर था, और उसके बाद मैं दूसरे विभागों में भी रहा। फिर समय आया जब मुझे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के भेजा गया, 1984 में, नाइनटीन 1983 में, नाइनटीन नाइनटीन एटी थ्री में जी नाइनटीन पहली बारी जब आप मुख्यमंत्री। वो भेजा, और उसके बाद काफी समय मैं यहाँ पर रहा, हिमाचल में रहा मुख्यमंत्री के रूप में। 6 बारी, फिर 6 बारी हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। 6 बार मैं मुख्यमंत्री रहा हिमाचल का। उसके बाद मैं फिर केंद्र सरकार में गया। हाँ जी, फिर केंद्रीय केंद्रीय इस्पात मंत्री बने। हाँ, मैं केंद्र में
महत्वपूर्ण पदों पर रहा, इस्पात मंत्री बना और भी एक ही दो महकमे मुझे मिले, और उसके बाद मैंने सोचा कि काफ़ी हो गया, काफ़ी समय दिया मुझे जो है वो अब राजनीति से अलग होना चाहिए जी। तो मैं स्वेच्छा से मैंने एक बार छोड़े, और मगर फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी में। अभी आप विधायक है अर्की निर्वाचन क्षेत्र से, और एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है पूरे प्रदेश में प्रदेश हित में निभा रहे हैं। अभी सरकार जो वर्तमान सरकार है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप जो अभी महामारी का दौर चला हुआ है उस परिपेक्ष में कैसे देखते हैं? जो परफॉर्मेंस वर्तमान सरकार की है जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में, वो कैसी है और क्या कमियां आपको लगती है, कैसे उसको हमको ठीक करना चाहिए था? कमियां रही हैं और शायद जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, मगर जो पूरी तरह से वो हिमाचल प्रदेश की जनता को एक नहीं कर पा रहे हैं जी। अभी कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो निचला इलाका है, जिला कांगड़ा का इलाका है, वहाँ से बहुत से कई मंत्री हैं इन लोगों के जो इच्छुक है, बनना चाहते हैं, राकेश पठानिया जी है और भी कई ऐसे लोग हैं जो बनना चाहते हैं, और ऐसा इस सरकार पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जिला कांगड़ा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप हमेशा मुख्यमंत्री रहे, आपने हमेशा जिला कांगड़ा को बहुत महत्व दिया है, वहाँ पे दूसरी राजधानी आपने बनवाई, वहाँ पे विधानसभा आपने बनवाई, तो खास रूप से बहुत से जिला कांगड़ा के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिला कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए? सारे हिमाचल प्रदेश को एक समझ कर जी, सारे हर क्षेत्र की मैंने हमारी सरकार ने वो सेवा की जी, और किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा जी। हिमाचल एक है और एक होकर इकट्ठे रहेगा, कोई ऐसा भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि वो कोई मुख्यमंत्री या कोई जो ऊंचे पद पर है वो क्षेत्रवाद के जमीने में पड़े जी। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे आरोप लगते रहते हैं समय समय पर कि मंडी जिला में बहुत विकास हो रहा है, सारा जो पैसा है, चाहे वो ब्रिक्स का पैसा है, चाहे हॉर्टिकल्चर का पैसा है, चाहे हाईवेज का है, वो सारा का सारा जो है वो मंडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस तरीके का चीज़ें ना रहे, ये हम प्रदेश के लिए इस तरीके का एक जो है प्रयास रहना चाहिए। जो मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार होती है, वो सारे प्रदेश के लिए है जी, देश की सरकार सारे देश के लिए है जी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सरकार का ध्यान जो है वो प्रत्येक क्षेत्र के लिए होना चाहिए और उनके उत्थान के लिए वो सोचना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए जी। जी, आजकल जो ये महामारी खास रूप से जो फैली हुई है, इस पे जैसे मैंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है, कुछ कमियां हैं, तो खास रूप से इस महामारी में जितने लोगों की कई जान भी जा रही है और बहुत सा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान लोगों को बहुत हुआ है, हमारे बहुत से होटेलियर्स जो है, बागवान हैं, किसान हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस पे हमारी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को हिमाचल प्रदेश के अंदर मजबूत करें? आता है
कभी बुरा दौर भी आता है जी, और बीमारी फैल जाती है जी, मगर इसके बारे में कोई भी सरकार हो जी, और उसको उसको जो है सचेत रहना चाहिए, और उसको उसका मुकाबला करने के लिए वो उसकी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इस्तेमाल में लानी चाहिए जी। बहुत से लोगों का ये भी संदेश आता है, अलग अलग जो राज्यों से है, अलग अलग जो जिलों से है, कि आप जब ये कोविड ठीक हो जाएगा, कोविड की महामारी ख़त्म हो जाएगी, तो आप प्रदेश का दौरा करें, सब लोगों से मिले, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिमला नहीं भी आ सकते, तो उनको भी आप आश्वासन देंगे कि जब ये कोविड की महामारी ख़त्म हो जाएगी तो जिला मुख्यालयों का दौरा आप करेंगे और सबसे मिलकर उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे और आगे की एक दशा तय करने में आप अपना मार्गदर्शन देंगे। मैंने सारे हिमाचल को एक समझा है हमेशा, मैंने किसी भी क्षेत्र के साथ जो कोई भी भेदभाव नहीं किया है, और मेरी नज़र में सारा हिमाचल एक, और कोई भी राज्य की सरकार है उसको सभी को एक समझते हुए, एक परिवार समझते हुए, उस उसके मुताबिक काम करना चाहिए जी। तो आप जल्द दौरा करेंगे जब एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा करके लोगों से अलग अलग इलाकों में मिलेंगे। मैं जाऊँगा। आप जानते हैं पिछले कुछ समय में मैं बीमार भी रहा। हाँ जी, पर अब बहुत बेहतर है। अब मैं बहुत बेहतर हूँ, माँ बीमा काली के आशीर्वाद से बहुत बेहतर है। माता बीमा काली के और जनता के जो प्यार है उसकी वजह से मैं उस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ जी, और मैं जल्दी ही जी सारे हिमाचल प्रदेश का दौरा करूँगा, कोई लोगों को जोड़ने के लिए। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो हमेशा हम आपसे लाइव इंटरेक्शन करते रहते हैं अलग अलग विषयों पर, आपसे जो है प्रदेश के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते रहते हैं। हम बेशक सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, मगर एक सकारात्मक भूमिका निभाने के साथ जो मुद्दे प्रदेश के हैं उनको उठाने का प्रयास करते रहते हैं। मगर आज विशेष रूप से, क्योंकि जैसा हमने आपसे निवेदन किया था कि आप लोग शिमला ना आएं, आपने हमारी बात को माना, और कई बहुत से लोग जो प्रदेश भर से नहीं आ पाए, आज इसीलिए हमने कि एक खास इंटरेक्शन राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ रखा था, ताकि आप लोगों के साथ जो है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा जो है इंटरेक्शन वो वीरभद्र सिंह जी के साथ हो सके। आप सब हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह जुड़े रहें, अपना फीडबैक देते रहें प्रदेश को। जैसा वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि उन्होंने हमेशा एक धागे में पिरोकर रखने का प्रयास किया है, और उसी राह पर हम आगे बढ़ेंगे, उसी राह पर हम प्रदेश को एक सोच के साथ और एक जो है एक धागे में पिरोने का हमेशा कार्य करेंगे। तो अंत में मैं एक बारी फिर से राजा वीरभद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना शुभ संदेश जो है प्रदेशवासियों को दे, आप सबको दे, और जो यहाँ पे नहीं भी आ पाए, जो हमारे लोग आज शुभ चिंतक, उनको अपना शुभ संदेश जो है वो अंत में एक बारी फिर से दे। थोड़ा सा धन्यवाद आप सबका, थोड़ा सा और बोलेंगे कुछ, सबका धन्यवाद कर दीजिए भैया, जो नहीं आ पाए आज यहाँ पे, जो आज शिमला में नहीं आ सके, हॉली लॉज में नहीं आ सके, उसके कई कारण है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए ना जी, जो ये लॉकडाउन हुआ है, सारा बंद हुआ है, इसकी वजह से नहीं आ पाए। ठीक है, बहुत दूर दराज से, कोई रामपुर से, कोई किन्नौर से, पांगी भरमौर से, तो उन लोगों के लिए आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं। विशेष करके नहीं, लोग जो है दूर दूर से आते हैं। हाँ जी, और हिमाचल एक है,
शिमला हिमाचल की राजधानी है, और मैंने सो इसी लिए मैंने ये कांगड़ा के एरिया के लिए जो है वो एक अलग राजधानी आपने बनाई, दूसरी राजधानी कांगड़ा के लिए बनाई और विधानसभा का गठन भी किया है। विधानसभा का गठन किया, और इसलिए जो है एकता का सूत्र जो है एकता बड़ी चीज है, हम मिलकर काम करेंगे हिमाचल आगे बढ़ेगा। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो कभी देश जो है हिमाचल जो है जो मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हमने धर्मशाला में भी कांग्रेस का किया कदर है, सेंटर है, तो उसको वहाँ पर भी हमने असेंबली का असेंबली हो इस ख्याल से जो है हमने वहाँ विधानसभा भवन बनाया, वहाँ भी सेशन होते हैं असेंबली के, तो ताकि एकता का सूत्र बन रहे, हम सब अपने आप को एक समझें। अंत में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जो प्रदेश में करीबन 2 से 2.5 लाख हमारे बहुत मजबूत एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, और आपने हमेशा जब जब आपकी सरकारें रही आपने बड़े महत्वपूर्ण कदम जो है प्रदेश के कर्मचारियों के हित के लिए लिए, जो हमारे चाहे पुलिस कांस्टेबल्स है उनको लगाने की बात है, चाहे जो हमारे शिक्षा विभाग में टीचर्स लग रहे हैं, पैरा टीचर्स है, पैड टीचर्स है, SMC आपका एक ऐसा पौधा आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाया कि दूर दूर दराज इलाकों में जितने हमारे स्कूल्स हैं उसमें शिक्षकों शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपने SMC का पौधा लगाया, पैड टीचर्स लगाए, पैरा टीचर्स लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें उन्होंने जो है इसको मान्यता प्राप्त करवाई है और प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो है इनको जो है वो रेगुलराइज किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी आपका एक जो सपना था वो साकार हुआ। वैसे ही हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो है अनुबंध कर्मचारी है उनका भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो कभी 8 साल का हुआ करता था, उसको कम कर आपने समय समय पर अब करीबन 3 साल का रह गया है। तो आप जो हमारे कर्मचारी वर्ग प्रदेश के हैं खास रूप से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमेशा उनके हित में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमेशा प्रदेश में किए हैं। किसी को परमानेंट नहीं करना, एक दफा बेश हो सकता है किसी कारण से कभी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया जी, मगर वो कल दीजिए, और मैंने हमेशा कोशिश की और ये हमने इसको कुछ हद तक इसको हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम किया जी, तो होना चाहिए जी। और इसके अलावा जो SMCs है SMC वो भी आपने लगवाए पूरे प्रदेश में, पैरा टीचर्स लगाए, पैड टीचर्स लगाए, वो भी अब जो है उनका भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी एकता के सबको एकता के रूप में उनको भी जल्दी से जल्दी जो उनको परमानेंट किया जाए जी। और जैसे हमारे जो जो हमारा जो रिक्रूटमेंट होती है वो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो रही है, चाहे वो हमारा जो हमीरपुर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, हमीरपुर में सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसके माध्यम से हो रही है, उसमें भी मेरिट के हिसाब से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कई इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं जो है उसमें पार्शियलिटी हमको देखने को मिलती है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी वैसे भी चरम सीमा पर है, तो इसलिए इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे प्रणाली कोई भी हो जी, अल्टीमेटली उनको जल्दी से जल्दी उनको परमानेंट कर देना चाहिए जी, जल्दी ऐसी आवश्यकता है जी।
तो आप सबका मैं एक बारी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और समय समय पर आप सभी के साथ हम इस तरीके का लाइव इंटरेक्शन करते रहेंगे, और राजा वीरभद्र सिंह जी का हमें हमेशा इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इनकी सोच जो इनका एक कंट्रीब्यूशन प्रदेश का है, उस राह पर हम आगे बढ़ने का प्रयास आने वाले समय में करते रहेंगे। इस तरीके का इंटरेक्शन कर जो आपके कोई समस्या हैं, आपके प्रदेश के अलग अलग कोनों की कोई महत्वपूर्ण समस्या हैं, वो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो है लॉकडाउन का समस्या है, जिसकी वजह से आप शिमला नहीं आ पाते हैं। इसलिए आप हमें जो है, चाहे कोई बागवानों की है, किसानों की है, कर्मचारियों की है, एसोसिएशंस की है, आप हमें जो है ऑनलाइन वो भेज सकते हैं, हम उसे उठाकर सरकार के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बेशक हम विपक्ष में हैं, मगर एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को विधानसभा के अंदर और सरकार के समक्ष उठाने का हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप सबका एक बारी फिर से बहुत बहुत मेरी ओर से और राजा वीरभद्र सिंह जी की ओर से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।